तो आज के जो हेयरस्टाइल होने वाले हैं वो आप चाहे तो डेली बेसिस पे कैरी कर लो या फिर किसी पार्टी फंक्शन में कैरी कर लो उसका थोड़ा सा डेकोरेट करके। सो हेलो एवरीवन, प्रिया है, वेलकम बैक टू ऑलवेज प्रीटी यूजफुल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयरस्टाइल जो कि हम बनाएंगे बॉबी पिन्स एंड रबर बैंड का यूज़ करके, एंड उसके ऊपर आप चाहे तो डेकोरेशन कर सकते हो कुछ रियल फ्लावर्स या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स कवर यूज़ करके, बट एवरीडे बेसिस पे आप ऐसे ये कर सकते हो। सो यहाँ पे बाल कोम करके टैंगल्स रिमूव किए हैं एंड सेंटर प्लेस में ऐसे पोनीटेल गैदर कर लिए हैं। पोनीटेल को हल्का हल्का ट्विस्ट करना है, ज़्यादा ऐसे मरोड़ना नहीं है, बस हल्का सा ट्विस्ट करके आपको ये राउंड मतलब लपेट देना है, मतलब क्या यार घुमा देना है जो भी है। सो उसके बाद एक हाथ बन के ऊपर ऐसे रखिएगा एंड एक जो रबर बैंड है हो सके तो ब्लैक कलर का यूज़ कीजिएगा, एंड फिर जो बन हमने रैप किया है उसको आप रबर बैंड से सिक्योर कर लीजिएगा, मतलब ऊपर बन के ऊपर रबर बैंड नहीं रखना है, जो बेस है वहाँ पे टक कीजिएगा ताकि बन जो है प्रॉपरली फिक्स हो जाए, या फिर लंबे समय तक अगर आप ये हेयरस्टाइल कैरी करना चाहते हो तब बहुत ये यूज़फुल रहेगा अगर आप रबर बैंड यूज़ करते हो तो, अदरवाइज बस यू पिन का यूज़ करके भी आप बन बना सकते हो। सो यहाँ पे आप देख रहे हो अब जितना चाहिए आप ये बन को फुला सकते हो, मतलब अब भी हमने बन को सिक्योर कर दिया है, बट ऊपर का जो ये पोर्शन देख रहे हो आप राउंड वाला उसे आप हल्का हल्का से बाहर के साइड में अगर आप पुल करोगे तो बन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो अभी सिर्फ रबर बैंड हमने ढक किया, इस वजह से क्या हो रहा है बन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर से लगाया है बाहर से ऐसे कुछ, तो इस वजह से आपको क्या करना है दो या फिर तीन यू पिन्स का यूज़ करके उसे हल्के हाथों से फिक्स करना है, ज़्यादा यू पिन्स टाइटली भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अपने बन ऑलरेडी सिक्योर कर दिया है रबर बैंड का यूज़ करके। सो एक यू पिन मैंने यूज़ करी है, इधर उधर से मेरे फ्रिंजेस निकल रहे हैं क्योंकि जो हेयर कट है वो है लेयर कट, सो इस वजह से वो आएंगे और उस वजह से वो हेयर स्टाइल थोड़ी सी मैसी भी लगेगी। तो एक दो यू पिन्स का और मैं यूज़ कर दूँगी एंड पूरा जो बन है वो फिक्स कर दूँगी, आप देख रहे हो कैसे। तो यू पिन्स यूज़ करते समय आपको क्या करना है, यू पिन का जो एक पॉइंट होता है वो आपको बन के अंदर डालना है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो आपको जो स्कैल्प के ऊपर हेड के ऊपर हम बाल है उसके अंदर थोड़ा सा इंसर्ट करना है, एंड ऐसे करके यू पिन बहुत टाइटली फिक्स हो जाती है। और अगर ये इधर उधर से फ्रिंजेस नहीं निकलती है, बाल नहीं निकलते तो आपको यू पिन्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। सो टोटल तीन यू पिन्स मैंने यूज़ करे हैं एंड फिर उसके बाद ये फिर से निकला है तो उसको फिर से निकालूंगी एंड फिर से उस सेक्शन को टक कर दूंगी अंदर की तरफ, या फिर आप चाहे तो जो फ्रिंजेस निकले हैं वो ऐसे रख के एवरीडे हेयरस्टाइल कर सकते हो, मैसी से होगी, बहुत प्यारी लगती है मैसी हेयरस्टाइल क्योंकि आजकल मैसी हेयरस्टाइल का जो है वो ट्रेंडी है। बट अगर आप इस बन को किसी पार्टी फंक्शन के लिए बना रहे हो या फिर किसी स्पेशल ओकेजन में बना रहे हो तो आप ये सारे फ्रिंजेस सिक्योर कर लीजिएगा एंड ऊपर कुछ गजरा लगा सकते हो या फिर रियल फ्लावर्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो भी बहुत सारे ब्रॉचेस मिलते हैं मार्केट में वो लगा सकते हो, बहुत प्यारा लुक आएगा। सो आई होप आपका वीडियो यूजफुल रहा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।